बच्चों आज हम सब एक से लेकर के लाख तक की संख्याओं का लिखना और पढ़ना सीखेंगे, ठीक है। लेकिन प्रश्न आज मैं नहीं पूछूंगी, आज तुम सब एक दूसरे से प्रश्न पूछोगे, ठीक है बच्चों? जी जी जी। अच्छा नलिन, पहला प्रश्न तुम पूछो। दीदी पहले मैं कागज पर एक संख्या तो लिख लूं। ठीक है नलिन ने संख्या लिखी है 4, 5, 9, 7। इसे कौन पढ़ के बताएगा? दीदी मैं बताऊं? हाँ बताओ। दीदी यह संख्या है 4597। बिल्कुल ठीक, ये संख्या है 4597। अच्छा अब मैंने तो बता दिया, अब तुम मेरी द्वारा पूछी गई संख्या को लिख कर दिखाओ। पूछो। यह संख्या है 1025। तुषार ने संख्या पूछी है 1025। यह देखिए दीदी। बिल्कुल सही, नलिन ने लिखा है ऐसे 1025। बिल्कुल सही लिखा तुमने नलिन। देखो ये है इकाई, ये है दहाई, सैकड़ा और हजार। तुषार ने संख्या पूछी थी 1025, हमने क्या किया 1000 का 1 लिख दिया हजार के ऊपर, और शून्य बोला, शून्य जो है वो हमने कहां लिख दिया सैकड़े के ऊपर, क्योंकि सैकड़ा तो बोला ही नहीं गया था, और बाद में हमने लिख दिया 25, तो संख्या क्या हो गई 1025। क्या बात है कल्पना, तुम बड़ी चुपचाप बैठी हो, तुम कोई प्रश्न नहीं पूछोगी? दीदी मैं सोच रही थी कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, कौन बताएगा? दीदी मैं बताऊं? हाँ तुषार बताओ तो। दीदी यह संख्या होगी 1000। संख्या होगी 1000। दीदी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? पहले हम 4 अंकों की छोटी संख्या तो जान लें, 5 अंकों की संख्या हम बाद में देखेंगे। अच्छा ठीक है, ये देखो ये संख्या है 1000। कितने अंक हुए? 1, 2, 3 और 4, यानी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000। अब तुम लोग ये नहीं पूछोगे कि दीदी ये कैसे पता चलेगा कि यही संख्या सबसे छोटी संख्या होगी, जानना चाहोगे ना? जी दीदी। इसका तरीका बहुत आसान होता है, जहां हम कभी छोटी संख्या जानना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें से एक ऐसे एक इस पे लिख करके शून्य के नीचे एक लिख करके उसको घटा देते हैं, तो हमारा उत्तर आएगा 9, 9 और 9। कल्पना कितने अंक हुए ये? 3 अंक दीदी। हाँ 999 अंक हुए 1, 2 और 3, और यहाँ कितने अंक थे? 4। 1, 2, 3 और 4, और जैसे ही हमने इसमें से एक अंक घटाया अंक रह गए 3। इसका मतलब कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है। दीदी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मैं बताऊं? ठीक है मैं बताती हूँ, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999। ये देखिए 9, 9, 9 और 9। दीदी जरा समझाइए तो कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 ही क्यों होती है, अन्य क्यों नहीं? हाँ हम बताते हैं, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 ही क्यों होगी, अन्य क्यों नहीं? इसको जानने का भी तरीका बहुत आसान है, जब कभी हम बड़ी संख्या जानना चाहते हैं तो हम एक को जोड़ देते हैं। आप देखिए क्या आएगा, 9 और 1 हुआ 10, 10 का हमने शून्य यहां लिख दिया और 1 हाथ से लगाया ऊपर, ठीक। अब 9 और 1 हुआ 10, फिर हम 10 का शून्य यहां लिखेंगे और 1 लिख देंगे 9 के ऊपर, ठीक।
अब इसको जोड़ेंगे, 9 और 1 हुआ 10, 10 का शून्य नीचे लिखा और एक हाथ से कहाँ लगाया, 9 के ऊपर। वह बहुत सही, 9 के ऊपर। अब इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 10। कविता अब बताओ कितने अंक हुए ये? 5 दीदी। बिल्कुल सही, 5 अंक, 1, 2, 3, 4 और 5। और ये कितने अंक थे, 1, 2, 3 और 4। यानी के अगर हम 4 अंकों में एक अंक जोड़ देंगे, ठीक है, 4 अंकों की बड़ी संख्या में एक जोड़ देंगे तो हमारे पास योग आ जाएगा 10,000। और ये कितने अंकों की संख्या बन गई, 5 अंकों की। अतः 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हुई, 9,999। ठीक है, ये है 6 अंक। ठीक, अब मैंने तुम्हें काम करो, कोई 5 अंकों की, हाँ 5 अंक है ना, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 5 अंकों की कोई एक संख्या लिख करके तो दिखाओ। जी दीदी। ये देखिए दीदी। बहुत सही, नलिन ने लिखा है 1, 5, 9, 0, 0। ठीक है, इसे कौन पढ़ के बताएगा? दीदी मैं बताऊं? हाँ कल्पना बताओ तो। 15,900। ये हुआ 15,900। ठीक है तुषार, अब तुम कोई संख्या नहीं पूछोगे 5 अंकों की, सोच के बताओ कौन पूछेगा। चलो ठीक है, हम एक संख्या पूछते हैं, संख्या है 4, 1, 2, 0, 5। कितने अंक है कल्पना? 5 अंक। इसे पढ़ के कौन बताएगा हमने क्या लिखा है? दीदी मैं बताऊं? हाँ बताओ दीदी। यह अंक है 41,205। बिल्कुल सही, 41,205। अब हम आपको एक खास बात बताएं, देखो बच्चों, यहाँ पे हम लगाएंगे एक कॉमा, वो क्यों, ये है इकाई, ये है दहाई, ये है सैकड़ा, ये हुआ हमारा हजार, और इस अंक के नीचे हम लिख देंगे 10,000। ठीक दीदी, अब बताइए कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? ठीक है, लेकिन हम पहले कॉमा लगाना तो आपको बता दें। देखिए, इकाई, ढाई, सैकड़ा के बाद हम लगाते हैं पहला कॉमा, ठीक है जी, और इसके बाद हम प्रत्येक 2 अंकों के बाद एक कॉमा लगाते हैं। ये सबको स्पष्ट है? यहाँ भी देखिए हमने क्या किया था, इकाई, ढाई और सैकड़ा के बाद पहला कॉमा लगाया था, इसके बाद हम प्रत्येक 2 नंबर के बाद एक कॉमा लगाते जाते हैं। हाँ नलिन, आप क्या प्रश्न पूछ रहे थे? दीदी की 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, कौन बताएगा? अभी हमने आपको बताया था छोटी संख्या कौन कैसे जानते हैं और बड़ी संख्या कैसे जानते हैं। दीदी 10,000। ये देखिए इन्होंने बोला 10,000, ठीक है ना दीदी? अभी हम बताते हैं, बाकी लोगों को भी बता दें, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार और 10,000 कितने हुए हैं? 5। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 है। कल्पना ने बिल्कुल सही बताया, अभी हमने समझाया था ना कि कैसे ज्ञात करते हैं। अब 5 अंकों की बड़ी संख्या कौन बताएगा, सबसे बड़ी संख्या बताओ दीदी? 99,999। बिल्कुल सही, 9, 9। ठीक है, ठीक, कितने अंक हो गए ये? ये अंक हुए 5, 1, 2, 3, 4 और 5, और संख्या है 99,999। बिल्कुल सही, 99,999। इतना सबकी समझ में आ गया कि हमारे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 10,000 और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 99,999। अब बच्चों हम तुमसे एक और प्रश्न पूछते हैं, ठीक है?
मान लीजिए हमारे पास संख्या है 99,999, ठीक ठीक है। हम इसमें जोड़ देते हैं एक, एक जोड़ा तो हमारा योग कितना आएगा, 9 और 1 10 का लगा 0, 1 लगा हासिल, 9 और 1 10 का हुआ 0, 1 लगा हासिल, 9 और 1 10 का हुआ 0, ठीक। फिर 1 लगा हासिल, 1 और 9 को जोड़ा कितना आया 10, 10 का 0 यहाँ लगाया, 1 लगाया हासिल 9 के ऊपर, इन दोनों को जोड़ा 1 और 9 को तो कितना आया 10। हमने आपको बताया था हम इसमें कॉमा कैसे लगाते हैं, 3 के बाद और फिर 2 के बाद, बताया था जी दीदी। अब इसको पढ़ेंगे तो कितने अंक है इसमें, 6। हम इसके नीचे इकाई दहाई लिखे, ये देखो इकाई, ये हुआ दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। यही तो बोला था कि हम लाख तक की संख्याओं का पढ़ना और लिखना सीखेंगे जी दीदी। तो ये क्या अंक बन गया, 1 लाख अंक हुए, 6 और संख्या बनी हमारी 1 लाख, ठीक है। तो ये तो बताओ बच्चों कि ये 1 लाख जो हुआ, हम आपको बताते हैं, हमने बताया था कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10,000, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई, 1 लाख। दीदी बिल्कुल सही, इसका मतलब कि 1 लाख 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, बिल्कुल सही। यही हमने बताया कि 1 लाख 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। अब मैं आपको फिर से एक बार बता दूं मैंने क्या क्या बताया, ठीक। सबसे छोटी संख्या को जानने के लिए हम एक क्या करते हैं, घटा के देखते हैं, और सबसे बड़ी संख्या को जानने के लिए हम एक जोड़ देते हैं, और हम पहला कॉमा सैकड़े के बाद लगाते हैं, फिर बाद में हम दो दो के बाद लगाते जाते हैं। सबके समझ में आ गया, अच्छा लगा सबको जी दीदी।